आपका अपने YouTube चैनल दानिश लर्नर पे मैं आप लोगों के लिए फिर से एक इंग्लिश का लर्निंग प्लान लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है यानी टाइटल है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, और ये क्लास 5 का है। तो अगर आप इंग्लिश का बनाना चाहते हैं तो ये वाला टॉपिक दे सकते हैं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर लगभग 60 लर्निंग प्लान डाल चुका हूँ, हिंदी, उर्दू, मैथ और EVS का, तो आप उसे चाहे तो विजिट कर सकते हैं। आप इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव में आप दो से तीन या चार ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी आप 2 से 3 ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो उसके बाद आप पेडागोजिकल मेथड लिखेंगे, आई विल यूज द फॉलोइंग मेथड टू लर्न द अबाउट टॉपिक, क्वेश्चन आंसर मेथड, रीडिंग राइटिंग मेथड, रोल प्ले मेथड। उसके बाद आप टीचिंग एड लिखेंगे, यानी आप पढ़ाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट प्रायर नॉलेज लिखना है, तो स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द वर्ड ऑफ द टॉपिक, दे नो द रिलेटिव एंड देयर फैमिली बट दे डोंट नो द स्टोरी ऑफ द टॉपिक। यहाँ तक हो जाने के बाद आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, तो पहला सीरियल नंबर, टीचर स्टेटमेंट, स्टूडेंट एक्शन। तो इसमें आप 3-4 सवाल कर देंगे, जैसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर लाइफ विथ यू, तो स्टूडेंट आंसर यस। इस तरह से आप 3-4 सवाल करेंगे जिसका आंसर बच्चे दे सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखेंगे, आई विल डिस्कस द होल स्टोरी एंड आफ्टर दैट आई विल अरेंज ग्रुप डिस्कशन बाय डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू सम ग्रुप, दे विल डिस्कस द स्टोरी, दे विल एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से यहाँ तक हो जाने के बाद आप प्रेजेंटेशन लिखेंगे, जिसमें आप 5 कॉलम बनाएंगे, तो पहला देख सकते हैं टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट एक्शन और टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने लर्निंग प्लान को बना सकते हैं। यहाँ तक हो जाने के बाद आप रिपीटेशन ऑफ द स्टोरी करेंगे, जिसमें आप जो भी स्टोरी बनाए पढ़ाएँ उसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना है। तो इस यहाँ तक हो जाने के बाद आप इवेल्युएशन क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन बच्चे को पूछेंगे, उसके बाद होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आज का लर्निंग प्लान यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।